हे साइना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार सुरक्षित है और जब तक हम हैं, किसी पर हम कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन सामने क्यों ना हो। और रही बात उन तीनों मणि के दुश्मनों की, तो हमें जल्द ही उनसे लड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, ताकि वो हमारे परिवार पर कोई नई मुसीबत ना ला सके। वो नागे ना यहां तक कैसे पहुंची? मुझे क्या पता? पर मुझे पता है, किसी ने मदद की होगी। आजकल नागिनों में बहुत दिलचस्पी पड़ गई है। हाँ, लगता है खूबसूरत नागिनें कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी हैं इसे। अपने साथी पे हाथ उठाता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बंद करो ये बचपना, बंद करो ये बचपना। आपसी लड़ाई का फायदा हमेशा दुश्मन उठाते हैं, हमेशा दुश्मन उठाते हैं। फिलहाल ये सोचो कि हम नाग काशी कैसे लाएं। ये तुम्हारा काम है। तो मुझे मेरा काम करने दो, मेरा काम करने दो। तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ, मैं नाग काशी ले लूंगी, मैं नाग काशी ले लूंगी। जाओ जाओ। बेवकूफ, भूल गए हैं कि हमारा मकसद नागमणि लेना है। पर मैं हमारा मकसद नहीं भूली, हमारा मकसद नहीं भूली, बिल्कुल नहीं भूली, बिल्कुल नहीं भूली। घर वालों को तो हमने समझा लिया, पर अपने आप को कैसे समझाएंगे? कल रात जो हमारे साथ हुआ बहुत खतरनाक था, लेकिन किसने किया होगा ये? किया होगा ये? अमृता ने? अमृता ने? या फिर उन्होंने जिन्होंने कनक का अपहरण किया था? सोचने वाली बात ये नहीं है कि किसने किया, सोचना ये है कि हमें हमें बचाया किसने, बचाया किसने? अरे आस्था बेटे, आप कहाँ थी? दादी साहब, हमने आपको बताया था ना, हम अपनी सहेली के घर गए थे। हाँ हाँ, लेकिन रात बहुत हो गई इसलिए हम वहीं रुक गए। हम फोन भी करना चाहते थे लेकिन हमारे पास घर का नंबर ही नहीं था। अच्छा हुआ आप नहीं है, वरना आपका भी वही हश्र होता जो हमारा हुआ। जी आप, कुछ नहीं बेटा, मंदाकिनी रसोई का कामकाज हो जाए तो हमारे लिए एक कप चाय ले आना कमरे में। मंदाकिनी, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। जब मूर्छातक का प्रभाव पूरे परिवार पर था तब ये कहां थी? बस यही काम बाकी रह गया था। मंदाकिनी, तुम कल रात कहाँ थी? जी मंदिर में थी हुकुम, दुर्गा माँ के मंदिर में, पास वाले गांव में है ना। तो
तुम पूरी रात मंदिर में थी? हाँ, वो जागरण था ना वहां पर, वही थी। दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी कि मारो पति जल्दी वापस आ जाए। हुकुम चाय मांग रही है, मैं देख के आती। न जाने क्यों हमें इस मंदाकिनी पर शक होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। अमृता, ये क्या कर रही है आप? अपने रूप में यहाँ क्यों बैठी? आपको अगर यहाँ पे किसी ने देख लिया तो? अम्बालिका, हम वो, एक सेकंड। वैसे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस घर के लोग कहाँ हैं? सब लोग सो रहे हैं। दोपहर तक सोते हैं यहाँ पे? हाँ अम्बालिका, रात भर जाग रहे थे सब लोग। ओ, क्या काम है? वो मंदाकिनी है, नौकरानी बनकर इस घर में आई है। अच्छा, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है। आपको ये बताना है कि आखिर कौन है। अच्छा ठीक है, आप बुलाइए तो उसे। मंदाकिनी, जरा चाय लेकर आइए। हुकुम चाय। अम्बालिका, अम्बालिका बताओ तुमने क्या देखा? बहुत अजीब बात है अमृता, इस लड़की ने अपना भविष्य छुपा कर रखा है। हम कुछ नहीं देख पाए, बहुत अजीब बात है। क्या अपना भविष्य छुपा कर रखा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये शक्ति तो सिर्फ कनिष्क के पास थी, वो अपना भविष्य छुपा सकता। इस लड़की के पास ये शक्ति कहां से आई? अब हम इसकी असलियत कैसे जानेंगे? उस आस्था को शायद मुझ पर शक हो गया है। वो कुछ करे इसके पहले बच्चों से नक्काशी लेकर मुझे यहां से चले जाना चाहिए। अरे बच्चों, ये देखो। भैया, ये कितना सुंदर स्टोन है ना, जैसे हमारे पास है। हाँ, ये तुम्हें चाहिए? हाँ, ऐसे को नहीं मिलोगे। यो पत्थर मैं छिपाऊंगी, अगर तुम दोनों ने ढूंढ लिया तो यो पत्थर तुम्हारा। ठीक है, पर तुम लोगों को भी कुछ छुपाना पड़ेगा। मैं मेरी गुड़िया छुपाऊंगी, वरना मेरे खिलौने। और हम अपना क्रिकेट बैट छुपाएंगे। नहीं, ऐसी कोई चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है, जैसे कि मुझे ये लाल पत्थर। भैया, हमारे पास भी एक स्टोन है ना, जो हमारे दोस्तों को बहुत पसंद है। हाँ, हमारे पास भी एक पत्थर है, अभी लेके आता हूँ। बस कुछ देर का इंतजार और, फिर नाककाशी मेरे पास होगी। कितनी कोशिशों के बाद
मैं अपना मकसद पूरा कर पा रही हूँ। ये चलेगा? हाँ, लाओ मुझे तो। नहीं, पहले हम ये छुपाएंगे। अगर ये आपको मिल गया तो ये आपका। गेम शुरू करने से पहले आप आग बंद कीजिए। हमारा है, खाली है तो क्या हुआ? क्या है ना कि आजकल हम कम नोट रखते हैं। अब कोई भविष्य जानना ही नहीं चाहता है। जिसे देखो वो अपने भूतकाल में जी रहा है। अब घर की चाबी है तो लेकर घूमना पड़ता है। चलते मुझे उस औरत के पीछे जाना होगा। बड़ी मुश्किल से नाकाशी तक पहुंची हूँ मैं। चलो ना, खेलते हैं। चलो ना। उस भाई की असलियत सामने लाने में ये जादुई आईना हमारी मदद करेगा, क्योंकि जो काम अंबालिका नहीं कर सकती है वो काम ये आईना कर सकता है। मंदाकिनी, क्या हुआ हुकुम? तू नागे? हाँ हम। अब ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कोई जरूरी काम ही होगा ना, वरना बर्बाद करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। अगर हमारे परिवार वालों पर एक भी खरोच आए तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर तुम पछताती रहोगी तुम इस घर में क्यों आई। इतना प्रेम, वो भी इन लोगों के लिए जिन्होंने धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकाला था? जिनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो उन्होंने तुम्हें क्या दिया है? उन्होंने तुम्हें क्या दिया? प्यार, रिश्ते, एक पूरा परिवार। कुछ गलतफहमी है हमारे बीच,
लेकिन वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तुम नहीं समझोगी ये सब। अब ध्यान से हमारी बात, ध्यान से हमारी बात। इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। एक पल भी इस घर में, एक पल भी इस घर में, तो वो पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा, आखिरी पल होगा। अच्छा, धमकी दे रही हो मुझे? कर क्या सकती हो तुम? हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते? इच्छाधारी नागिन के वजूद को ललकारा है। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तेरी मौत निश्चित, तेरी मौत निश्चित। आक्रोश के बढ़े कदम प्रतिशोध की चली अगर विध्वंस के प्रकोप से कराओगे धरती गगन। विकराल रूप क्रोध के लेके हाथ में कफन आक्रोश के बढ़े कदम, आक्रोश के बढ़े कदम। विक्षिप्त रक्त हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए साईनाथ। आज हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी मौत के साथ इस घर पर से तुम्हारे आतंक का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बताओ कि तुम तीनों आखिर क्या चाहते हो? वासुकी पूजा क्यों करो? वासुकी पूजा क्यों करो? बताओ कि तुम तीनों कौन हो, क्या चाहते हो? बताओ वरना आज तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें हम मार देंगे। और ये मत समझना कि हम मजाक कर रहे हैं, ये कोई मामूली त्रिशूल नहीं है, भगवान के हाथों से आया है। बताओ तुम क्या चाहते हो तुम तीनों? बताओ वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। आयु, हमें मर जाने का को इस मुसीबत से निकालना होगा। ढूंढना होगा इनसे टकराने के लिए। हमें पता लगाना होगा कि ये लोग वासुकी पूजा क्यों कर रहे हैं, इस घर से आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। आस्था बेटा, ये त्रिशूल, वो दादी सा, हम अमृता के कमरे में गए थे, हमें ये वहीं मिला। लाइए, हमें दे दीजिए।
न जाने ये अमृता और उसकी यादें हमारे घर का पीछा कब छोड़ेंगी। उन तीन दुश्मनों को तो नाग मनी चाहिए, फिर वो इस घर में क्यों आई थी? छुपकर क्यों रह रही थी? वो तो बहुत शक्तिशाली है। फिर तो उसे ये जरूर पता होगा कि नागमणि इस घर में नहीं है। फिर वो क्या चाहती है? फिर वो क्या चाहती है? क्या ढूंढ रही थी वो इस घर? क्या ढूंढ रही थी वो इस घर में? आखिर इस घर में ऐसा क्या है? में ऐसा क्या है? क्या है इस घर? कहीं रुद्र काकासा से जुड़ी हुई कोई चीज तो नहीं है? हे साईनाथ, हमारी जिंदगी एक तिलिस्म की तरह बनकर क्यों रह गई है? हर कदम आगे बढ़ाने से पहले हम एक गुत्थी क्यों सुलझानी पड़ती है? हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो लोग आखिर क्या चाहते हैं। कनक, क्या बात है? कोई काम था? हाँ, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आज अर्जुन भाई साहब का जन्मदिन है। कितना वक्त बीत गया है इस घर में खुशियां आए हुए। आज अर्जुन भाई साहब के जन्मदिन के मौके पर हम कम से कम अर्जुन भाई साहब को खुश करना चाहते हैं। अर्जुन खुश होंगे तो सब खुश होंगे। हाँ, इसलिए हम भाई साहब के लिए खास तोहफा लेके आए। आपने कुछ सोचा है? हाँ, अर्जुन का जन्मदिन इस बार हम कुछ खास तरीके से मनाएंगे। ठीक है, आप अपने लिए सरप्राइज प्लान कीजिए, हम चलते हैं। अर्जुन की आंखों में हम रूप बदल कर अपने लिए प्यार ढूंढते रहेंगे। हमने अर्जुन के जन्मदिन हमेशा अमृता बनकर ही उनके साथ मनाया। इस साल भी उन पलों को हम अर्जुन के साथ अमृता बनकर ही जीना चाहते हैं। अब हम अर्जुन की नजरों में अमृता के लिए पहले जैसा प्यार ही देखना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए। अमृता, अमृता, नियम भावनाओं से बड़े नहीं हो। आप जो चाहती हैं वो जरूर होगा, पर मात्र दो घंटों के लिए। उन दो घंटों में अर्जुन के साथ अमृता बनकर रह सकती हैं, और उतने समय की स्मृति अर्जुन के दिमाग से मिट जाएगी। कुछ पलों के लिए, लेकिन अर्जुन के दिल से अमृता के लिए नफरत तो मिटेगी। हम इसी में खुश हैं।
को भेजो बाबू। आओ भक्त, स्थान ग्रहण करो। पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम अंबालिका से? मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। लोगों का भविष्य बताने के लिए ही अंबालिका ने जन्म लिया है। अपना हाथ इस पर रखो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक और पुरुष आने वाला है, सात समंदर पार से, और ये पुरुष तुमसे सच्चा प्रेम करता है अंबालिका। ये तुम्हारे लिए अपना जीवन भी दे देगा। वो आएगा ना? जरूर आएगा। शब्दों का माया, अंबालिका की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। बस जाते वक्त हमारी दक्षिणा जरूर दे देना। जी धन्य हो। ये तो बहुत काम की औरत है, इसे मारना ठीक नहीं है। मुझे इसे नाकाशी लेने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। Happy birthday to you, happy birthday dear Arjun, happy birthday to you. Happy birthday beta. जीते रहिए, ले लीजिए। जी वो आस्था, हमें पता है वो कहाँ गई है। कहाँ गई? मंदिर। मंदिर? आज आपका जन्मदिन है ना, तो आपकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करने गई है। क्या आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं? सच सच सच। हे ईश्वर, आखिर क्या समझाना चाहते हैं? अमृता बिल्कुल ऐसे ही हमारे जन्मदिन पर मंदिर जाया करती थी। क्या बात है बेटा, क्या सोचने लगे? जानती हैं कि आस्था कौन से मंदिर गई है? पिंपलेश्वर मंदिर। आस्था उसी मंदिर में गई है जहां अमृता जाया करती थी। आखिर किस्मत हमें कौन सा संकेत दे रही है? Thank you.
अमृता हमारे जन्मदिन पर हर साल आप हमारे साथ मंदिर आती हैं, लेकिन इस साल आप अकेले ही मंदिर आती हैं। हर साल आपके जन्मदिन पर आप पूरा वक्त हमारे साथ बिताते हैं, लेकिन इस साल आप बिना बताए ऑफिस से चले गए। सॉरी, चलो ठीक है, इस वक्त के बाद आज का हर पल आपके नाम की। ये आपके जन्मदिन पर हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा। वैसे गिफ्ट के लिए शुक्रिया। आज आपके जन्मदिन पर हम सारी जिंदगी को कुछ पलों में जी लेना चाहते हैं, सारी जहां की खुशियां इन पलों में समेट लेना चाहते हैं, आज एक खुशनुमा एहसास से इन पलों को महका देना चाहते हैं। चलिए। वो औरत हमारे बहुत काम आ सकती है, उसमें भविष्य देखने की ताकत है। लेकिन नाकाशी का क्या होगा? वो तुम लाओगे पवन। कहना क्या चाहती हो तुम? इंसान बहुत ही मूर्ख होते हैं अग्नि, भावनाओं में बहकर किसी के लिए भी जान दे सकते हैं। जबरदस्ती शायद वो कुछ भी ना दे, पर प्यार से सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। और हमें अम्बालिका की इसी कमजोरी का फायदा उठाना है। वायु ये कर पाएगा? करना होगा पवन। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। हमारा नाम अर्जुन है और आज हमारा जन्मदिन है। थैंक यू। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और आज ही के दिन हम आपको हमारी जिंदगी से मिलवाना चाहते हैं। अमृता, जिनकी निगाहों ने हमारे दिल के तार को इस कदर छेड़ा है कि हम उनके दीवाने हैं और जिंदगी भर रहेंगे। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। किया है प्यार पहले।
की भी